दंडियाला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशि दंडियाला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी संदर्भ में आज हम सलोरा पीर बुद्धू साहब गुरुद्वारे के पास खड़े हैं। लोगों के राय जानेंगे कि किसे वो इस बार सलोरा हलका से विधायक देखना चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? रामपाल है जी। रामपाल जी, रामपाल जी, आपको पता है 1 अक्टूबर का इलेक्शन है हरियाणा में, तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हो आप? बीजेपी की सरकार बनाएंगे जी। बीजेपी की सरकार? पहले भी बीजेपी की सरकार? हाँ, पहले बीजेपी की सरकार थी। ऐसी क्या खूबी है बीजेपी? बढ़िया सरकार है, अच्छे काम कर रही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो बीजेपी से आप सढौरा से किसे अपना कैंडिडेट उम्मीदवार देखना चाहते हो? जो नया कैंडिडेट आए। नया कैंडिडेट? नए तो काफी कैंडिडेट इस बार दौड़ में है टिकट की। देखो जी, सतपाल जी यहाँ जैसे सुमन मैम मियां, उनकी वाइफ, उनको देखना चाहते हैं। उनको देखना चाहते हैं? क्यों, आप उनसे पहले मिले हो कभी? हाँ, मिले हैं, बहुत बढ़िया समाज सेवी लोग हैं। अच्छा, समाज सेवी लोग हैं? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो क्या वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे, जीत जाएंगे? 100% निकाल लेंगे जी, 100%। अच्छा, कैसा माहौल लगता है आपको हल्के में इस बार बीजेपी का? माहौल बीजेपी का बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा माहौल है। लोग तो कहते हैं कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा कांग्रेस सरकार में। नहीं नहीं, कहने से क्या होता है, लोगों को जो देखा है विकास कर रहा है, कोई काम कर रहा है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा रहेगा बहुत ज्यादा। सरदार जी, आपका क्या नाम है? हरभजन सिंह जी। हरभजन सिंह जी, हरभजन सिंह जी, ये तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं हरियाणा में, आप किसकी सरकार यहाँ पर बनाओगे की बार? हम तो इनके साथ है जी। इनके साथ? क्यों, इनके साथ आपका क्या संबंध है? हमारे पड़ोसी है जी। अच्छा, हमारे खास बंदे हैं। एक हरियाणा में एक कहावत है कि अगर ये कुएं में गिरेगा तो क्या आप इसके साथ कुएं गिर जाओगे? नहीं, हम कुएं से निकालेंगे। अच्छा, कुएं से निकालोगे? तो आपने भी कहा कि अगर ये बीजेपी की बोल रहे तो आप भी बीजेपी के साथ। सढौरा हलके से काफी एक चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पर काफी कैंडिडेट दौड़ में है, हर एक पार्टी से उम्मीदवार जो बनना चाहते हैं टिकट के दावेदार हैं, तो आप किसे यहाँ से टिकट के दावेदार मानते हो? मोदी जी बनना चाहिए भाई। ऐसा जी, यहाँ पे तो न्यू बंदा चाहिए बीजेपी की तरफ से। नया बंदा बीजेपी की, पुराना बंदा तो हारे ही हुआ है। बीजेपी की तरफ से काफी नए चेहरे हैं इस बार टिकट के दावेदार हैं, तो उन नयों में से किसको आप? जी, हमारे सुमन बैम ने, वो भी अच्छी है जी। अच्छी है, ठीक है जी। बाकी से डोरे से मौका मिलना चाहिए बीजेपी। संजीव घारू भी लाइन में है, नए कैंडिडेट है वो भी? नहीं, उसकी कोई नॉलेज नहीं है जी। ठीक है, आप क्या कह रहे थे, मोदी के बंदे? मन तो मोदी बनना चाहिए, बढ़िया बंदा जी। बलवंत छोड़ के कोई भी हो। अच्छा, बलवंत छोड़ के कोई भी हो? कोई भी हो, हम बार फिर यहाँ से विधानसभा? नहीं तो बलवंत, अगर बलवंत दिया तो हम अगर यहाँ से मोदी को टिकट दिलवाई जाए विधानसभा की तो जीतेंगे? मिल जाएगी बिल्कुल, बलवंत छोड़ के। अच्छा, तो पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाना पड़ेगा। किसको? बलवंत? मोदी जी को। बलवंत को हटाकर किसकी सरकार बना रहे हो आप? जोन काम करेगा। पिछले 10 साल से बीजेपी है हरियाणा में और सेंटर में भी, अब तीसरी बार बन गई है, तो क्या कुछ काम किए उसका तो अंदाजा आपको हो ही गया होगा? तो हो गया। तो अब किसे आप सरकार में देखना चाहते हो? बीजेपी को। मतलब काम किए उन लोगों ने, तो ऐसा कोई काम आप गिनवा सकते हो जो आपकी नजर में अच्छा किया हो बीजेपी ने? नहीं, सारे बढ़िया काम किए हैं, सारे बढ़िया। आपके लिए कुछ खास? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से सढौरा से कौन उम्मीदवार देख रहे हो आप? कोई नया चेहरा अगर आए? हाँ, नया चेहरा देखेंगे। तो वोट बीजेपी को ही दोगे आप? बीजेपी को। ठीक है, सूर्य प्रकाश, काफी समय हो गया होगा आपकी तो, एज भी 80 के आसपास है, तो आप लगातार वोट दे रहे हो, इस बार भी 1 अक्टूबर को वोट डालनी है तो मोदी नु देंगे भाई? अच्छा, मोदी नु देंगे? मोदी नु तो आपने पहले भी दी थी, फिर देंगे। अच्छा, तीसरी बार? ऐसा क्या खास है मोदी में कि आप उनको वोट दोगे? बहुत बड़े आदमी है, लेकिन वो तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे अब। और सब पेंशन भी दे रहा, वैसे भी दे रहा। वो तो अब यहाँ से इलेक्शन लड़ नहीं रहे, आप कैसे वोट दे दोगे उनको? नहीं देंगे, उसका आदमी होगा, उसके आदमी को वोट देंगे। बहुत मस्त है। हाँ जी, मिस्त्री साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हुकम चंद। हुकम चंद जी, कैसा हुकम रहने वाला है अब की बार आपका सरकार के लिए? किसकी सरकार देखना चाहोगे? देखो, जिसकी सरकार अब आई रही वही बनेगी। कौन सी सरकार बनेगी? मोदी की। अच्छा, मोदी की, वो तो सेंटर में है मोदी की तो, लेकिन वो तो उसी के बंदे हैं, वो तो उसी के बंदे बनेंगे। अच्छा, उसी के बंदे बनेंगे? हाँ, और किसी के बनेंगे? तो ये आप दावा कर रहे हो या इसमें कोई वैसी, मतलब एक दिल बहलाने के लिए? ना, दिल बहलाने वास्ते? दिल बहलाने वास्ते ना,
दावा पक्का है आपका? दावा पक्का। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या लगता है आपको कि उनकी सरकार आएगी दोबारा? मेरी बात सुनो। पहले दो इलेक्शन गए, उनमें वोट दी हमने, ये तीसरा इलेक्शन है इसमें वोट दी और इसके वोट इसमें देंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हो जिसकी आप वोट डालते हो वही सरकार बनेगी? वही सरकार बनेगी। बड़ा तगड़ा दावा कर रहे हो आप तो। चलो अपनी सीट का बताओ आप कि अब की बार वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, देखा आपको पता है रेणु बालाजी विधायक है यहाँ से, और अब किसे आप यहाँ से कैंडिडेट देखना चाहते हो, किसे विधायक देखना चाहते हो? उसका तो पता नहीं, मैं कौन बनाएगा ली। अभी तो आप बोल रहे हो कि जिसको मैं वोट डालता हूँ सरकार में आ जाता है। नहीं तो बहुत ठीक है, तुम्हारी ये ठीक तो है, लेकिन यहाँ से विधायक किसको देखना चाहते हो आप? देख लो कौन सा बनेगा, हमें तो पता नहीं उसको। हम क्या देखेंगे, आप बताओ आप किसे देखना चाहते हो? जिसे टिकट मिलेगा बड़ी अच्छा, उसे टिकट वो भी ठीक है। फिर आप जलेबी की तरह घुमा रहे हो बात को। वही जो बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो अपनी तरफ से बता रहे आप। मैं अपनी तरफ क्या कर रहा। अच्छा, किसका नाम लिया आपने? सुमन बहमनी। सुमन बहमनी। अच्छा, आप मिले उनसे? नाम नहीं मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा लोगों की राय थी जिसमें हमने लोगों से उनके व्यू जाने, और इस मार्केट में जितने भी लोग मिले हैं लगभग सभी बीजेपी के थे और सभी ने बीजेपी का ही पक्ष लिया है कि उनको बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है, बीजेपी को ही इस दोबारा वो सरकार में देखना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।